जिन लोगों का जन्मदिन, जिनके सालगिरह, जिनका विवाह संस्कार हुई है, उन तमाम लोगों को हम लोग सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। भाई जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता चला है, और जैसे आप लोग शायद देखे होंगे, मिनिस्टर फान फॉलस होसोंगथेट, जाने की अमर रमाधीन फान फॉलस होसोंगथेट, आज वो पहला पेशेंट या पहला आदमी जो कोविड 19 का वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीनेट करवाया है। प्यारे भाइयों, अकादमी जी के तहत इसके बात है। तो मिनिस्टर फॉलस होसोंगथेट श्रीमान अमर रमाधीन ने जो जाने की फक्से प्रदेश से आया है और एस्ट पर तेईफन डेजन अस्त्रा जनी का फक्से जो सुरीनाम में आया है बारबाडोस से, तो मिनिस्टर ने कहा कि जो अगुवाकार लोग हैं, जो आगे ये सब कोविड 19 के कारोबार कर रहा है, लोगों को बचाते हैं, लोगों को अच्छा करता है ना, वो लोग पहले वैक्सीनेट होगा, पहले वो लोग होगा जो लोग लोग को बहादुर करता है ना। तो अकादमी सिकल है इसमें, प्यारे भाइयों, मिनिस्टर अमर रमाधीन वो पहला आदमी या पहला इंसान सुरीनाम में जिन्हें कोविड 19 देश में ने कहा एस्ट्राजेनेका पक्ष है उन्हें दिया गया है एस्ट पर्सोन। ऐसे करके और सब लोग को यानी कि ये स्पूर्ति मिला है ना। लोग कहते हैं कि वैक्सीनेरन वैक्सीनासी ना, तो ये हुआ है आज सुरीनाम में। तो धीरे धीरे जो 50,000 इंडिया से भी आया है, आ रहा है, तो ये सब सुरीनाम के जनताओं को बारी बारी वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि सब लोग कोविड 19 से बच के रहे। ये कोविड 19 एक बहुत खतरा बीमारी है भाई जी, इससे सबको बच के रहना चाहिए। और द क्रॉसिंग फ्रॉम कोमोवेन एंड मारवेन स्ट्रैट, भाई जी, दो सवारी, अब एक सवारी को तो फोर रंग देना चाहिए ना, तो फोर रंग दिया नहीं, तब तो मारी से धक्का भाई जी, मारी धक्का, बस एक तो गाड़ी छितरा गई, छितरा गया, टूट टूट करके सब गिर पड़ा इधर उधर, एक गाड़ी चार पहिया ऊपर में, चारों पहिया ऊपर में भैया, ये कुशवेनस्त्रात और बरवेनस्त्रात के कोने पर हुआ है। ऐसा धक्का लगा भाई जी, सुरीनाम में जब जब आरेडिंग होता ना मौसी, तो समझ जाओ गाड़ी टोटल लॉस हो जाता है, टोटल लॉस, वो गाड़ी को उठा करके फिर उस पर धर दिया जाता है। हम आगे देश के जनता के लिए संदेशा जो जरूरी है, निखरन 20 मार्च को होली फगुआ है, फगुआ हर एक साल फगुआ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, फगुआ, क्योंकि एक नेशनल फेस्ट डे है, फगुआ इस नेशनल फेस्ट डे, ये फगुआ करीबन 1 ट्रिलियन सेफन तक से सुरीनाम का सरकार उन दिनों का ये फगुआ का नेशनल फेस्ट डे करार दिया, रखियेरिंग शुल सतनी और श्री जगन्नाथ लक्ष्मण जी फेहा पे और पे एन पे रखियेरिंग फगुआ उत्सव का यानी कि करार दिया है नेशनल फेस्ट डे। तभी से फगुआ सुरीनाम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है,
नखड़ी परमारीवो में डिस्ट्रिक्ट में सगरों ये उत्सव को मनाई जाती है। बीच में आ गया है कोविड-19 कोविड-19 और यही एक रुकावट है कि यह उत्सव हमेशा की तरह हर एक साल की तरह शायद अब सी मनाने के लिए सरकार की तरफ से इजाजत नहीं होगा, क्योंकि यहां मिनिस्टर अमर रमाधीन कहता है that the sharing heeft nu al besloten dat er geen toestemming zal worden verleend om de feesten in verband met Pagua op 29 maart onder geen enkele omstandigheid zullen we nu of in de nabije toekomst de mass spreading event zoals feesten en evenementen toestaan. प्यारे भाइयों, यह आज की बात है श्री फीस्टन और फगुआ, लेकिन जो जाने कि घर में हर एक फीस कर सकता है अपने घर में बाल बच्चों के साथ, क्योंकि इतना घर में 1,000, 2,000, 3,000 घर घर में सिपाही न जाए देखे का होवे घर में, अपने घर में ये उत्सव आप मना सकते हैं। फगुआ है, अब फगुआ ऐसा उत्सव है लोगों के साथ मिलकर के मनाया जाता है। फगुआ वो उत्सव नहीं कि घर में बंद करके वो मनाया जाए, फगुआ वो उत्सव नहीं है, फगुआ वो उत्सव है कि बाहर मैदान पर लोगों के साथ मिलकर के ये मनाया जाता है, वो फगुआ है। फगुआ कामर फेस्ट नहीं है कि एक कमरा में बैठ करके और बोले हम फगुआ उत्सव मनाते नहीं, फगुआ है मैदान पर। पुराना जमाना लोग को पता है कि पुराना जमाना में लोग फगुआ धौड़ धौड़ के खेतों में चहटा से फेंक फेंक करके लोग को नहवाता था, वो फगुआ है। कमरे में बैठ करके वैसे फगुआ नहीं मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश के जनता हर एक समय पर हर एक जगह पर वो लोग के नई से नई तरीका आ जाते हैं उत्सव मनाने के लिए, तो ये भी ऐसा ही मनाया जाएगी। हम आगे चल करके भाई जी, कोफैक्स प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वैक्सीन, और शायद अगर आपको वैक्सीनेट किया जाए यानी हर एक दवा इंसान के शरीर में सब दवा काम नहीं करता है, जैसे कि नट आस बे अल अंद्रमीडी सैनन एंड सेल्स वैक्सीन die goedgekeurd zijn voor algemeen gebruik in zeldzame gevallen ernstige bijwerking veroorzaken. Dit मतलब ये है कि आप न जाने कि जो दवाई हमेशा लोग काम में लाते हैं, सब लोग लाते हैं, लेकिन कोई कोई के शरीर पर ये मतलब कि बेई वर्किंग लोग कहते हैं एरिस्टक बेई वर्किंग, मतलब कि वो अच्छा समय पर नहीं हो पाता है। ऐसे ये कोविड देखें कि जो लोग फैक्सन जो लोग ये इस वक्त जैसे हमने आपसे कहा है ना वैक्सीनेट कराएंगे और शायद आपको अच्छा अच्छा नहीं होंगे, तो एक फोंच है, तो एक फोंच की तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं। हेडफोन्स वार एट इवेंचुअल क्लेम्स जुलो वर्ड बताउट जाल गफॉर्म्ड वर्डन एट एन स्पेशल हैफिंग ऑफ आल डोसेस कोविड-19 वैक्सीन, समझे भैया जी। तो अगर शायद ये आपके शरीर पर काम नहीं करेंगे, शायद आप बीमार पड़ जाते हैं, तो
तो आपको एक कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ओके बोले कॉम्पेंसेशन प्रोग्रामा COVID-19 वैक्सीन। जब दवाइया न कमाई तब सब स्कूल शुरू हो चुका है। सब स्कूल और ये बहुत खुशी की बात है कि मिनिस्टर मारी लेफंस हर एक स्कूल को शुरुआत कर दिया है। यह भी कोई तरीका से प्रोटोकॉल जो इस वक्त प्रोटोकॉल के द्वारा स्कूल शुरुआत हुआ है, लेकिन सब स्कूल शुरू हो गया है। कैसे स्कूल शुरू हुआ है मिनिस्टर बार बार इसके बारे में जिक्र की है। हमारे भैया जो ये मिनिस्टर एक बहुत समझदार औरत है, ये अपने ऊपर विश्वास रखती है, जनता के ऊपर विश्वास रख रही है और स्टूडेंटों के ऊपर विश्वास रख रही है। स्कूलों को खोल दिया है ताकि स्कूल के लड़कन पढ़े। स्कूल के लड़कों को पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए। और घरे बैठे 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 तुमने गलत गलत बात सोचने लगता है। इसलिए स्कूल की शुरुआत जो मिनिस्टर ने की है एक अच्छा काम की है। दे इज अ मिनिस्टर फॉर ऑन द रेस, मिनिस्टर मारी लीफंस एस एन स्टर्क फ्रॉ। बहुत विश्वासी औरत है, बड़ी कदर से बड़ी इज्जत से बात भी करती है। यह औरत बहुत आगे बढ़ेगा। अगर ऑन द रेस तो ये सुधार पाएगा तो सुधारेगा। मिनिस्टर ने हमारे देश के अंदर में गयाना, ब्राजील और सब देशों छोड़ करके सूरीनाम में ऑंध्रप्रदेश का शुरुआत करवाई है। शायद दूसरे मुल्कों में अभी ऑंध्रप्रदेश का शुरुआत न हो पाया है। वे बदांक दी से मिनिस्टर, मिनिस्टर मारी लीफंस इस स्टर्क फ्रॉ। इस एक औरत जो समझते हैं ऑंध्रप्रदेश के बाद समझ रही है। इनका कायदा जो है एक बहुत बसखाफ औरत है। हमारे देश में हम लोग कुछ औरतें पर हम लोग दूर से बता सकते हैं। मैं पहला बात करना चाहूंगा एक औरत जो भी फर्स्ट लेडी था एक जमाना, वो है लिज़बेथ। लिज़बेथ के बारे में फर्स्ट लेडी था, ये हमारा प्रेसिडेंट फिनिचान की पत्नी, बड़ी बसखाफ्त औरत और बड़ी ध्यान से वो बात की करती थी। और एक वो फोर बेल्ट फ्रॉ रहा या है अभी सूरीनाम में। ये मारी लेफंस जो भी एक मिनिस्टर है ऑंध्रप्रदेश का, ये भी एक फोर बेल्ट औरत है देश की औरतों के लिए। और ये स्कूल खोल देने से ये माँ बाप का इज्जत दिया, बच्चों को रास्ता दिखाई, स्कूल जाते हैं तरक्की करेंगे। ये औरत ने बड़ी मेहनत करती है, इसी मैंने कहा वह फिनिशर है वह बदांक मपराव मारी लीफंस। ऑंध्रप्रदेश का मिनिस्टर है, ये सही मिनिस्टर है, इसलिए लेर क्राफ्टन डोसेंटन पर्सनल सब लोग को चाहिए इन मिनिस्टर को, मिनिस्टर मारी लीफंस को पूरा सहायता देने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि यह औरत, मैंने जिस तरह से मैंने कहा, ये बहुत दूर तक ऑंध्रप्रदेश को ले जाएगी। ये इनकी इज्जत से लोग बात इनसे करते हैं, और जब यह औरत बात करती किसी से तो इज्जत से बात करती है। ही बसखाफ्त, बहुत बसखाफ्त औरत यह है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट ना दी से मिनिस्टर मफरो बारी लेफंस, ऑंध्रप्रदेश का मिनिस्टर और सभी जो डिस्ट्रिक्ट के जनता है, जहां जहां के लोग हैं, आप लोग को कोशिश करो ये मिनिस्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मिनिस्टर मारी लीफंस बदांग तकनी टू फॉर आलस।
भैया जी हम आगे चलते हैं तो हम का देखिए आप अखबार की तो बात है, बात अखबार ही बात तो हम बात करते हैं ना। देखो बात ऐसे है, यहां पर अखबार ने लिखी है फेस हैंगर फॉर न्यू पॉलिसी ऑटो टेजस लॉकडाउन। देखिए सरकार ने यह लॉकडाउन यानी हम लोग आफन क्लॉक कहते हैं, अजुमा प्रोजेक्ट में भर नाच भैया मरवैन में, ओ नाच बप्पा ओ नचनिया लोग वहां वहां पर भैया पहन पहन करके काकी, अरे तो क्या बताइला, अब इतना दिस जिसकी सैबाना मुझसे छोटे है बैल और गाय बोल तो भाग जितने भाग सके जहां भाग जाते। अब ये लोग इतनी सालों के बाद मौका मिला बस पहुंचा ये लोग ने अजुमा प्रोजेक्ट में, वो नचाई बप्पा वो नचाई काकी, वहां पर डीजे सेट रहा स्पीकर्स, सिपाही पहले जाकर के बसलाख में लिया, लोगों को पकड़ पकड़ के ले गया है, है? पुलिस से झगड़ा करने लगा वहां नचनिया लोग, एयरवर्ट एक्टर कई कहो आन एटर जो खेफन अखेंटन, आधा घंटा के बाद जबरदस्ती ये नचनिया लोग को नाच बंद किया, डीजे सेट बसलाख में लिया, उन्हों को पुलिस ब्यूरो को ले गया है, लेकिन एक उठा करके ईटा सिपाही के गाड़ी के फोर राइट पर मारी से और छितरा गया, छितरा गई बप्पा। अब जे वहां जन्मदिन जी कर रहा जे ये फेस को और खाली शेयर किया था वो जा करके ये नुकसान अदा किया है। देशवा में जो लोग आक्सी करना चाहते हैं, आक्सी यानी डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, सभी लोग एक बात करते हैं यहां खोरम क्यों हमें मौका देता है, एक डेमोक्रेटिक देश है, खोरम क्यों हमें रुकावट नहीं करता है, यही सब बात कहते हैं। लेकिन कौन समय आपको आक्सी करना चाहिए जब एक देश बुर रहा है, जर रहा होगा, खत्म हो रहा है, तब तो आक्सी करिए। शिवरानो पिके को सिपाही ने गिरफ्तार किया क्योंकि इनके पास फरखन नहीं था इस आक्सी के प्रोटेस्ट आक्सी। अब पता चला है कि पिके जो भैया अपने आप को शिवरानो पिके जो है जिन्हें पुलिस पकड़ के ले गया था वो अब क्लास एंडिंग करेगा स्टार्ट सूरीनाम के ऊपर, साउथ बेनिन कोर्ट ने क्लास एंडिंग टेगन स्टार्ट सूरीनाम फनवेक हेट पोलिटी ऑफ ट्रेडन टेगन हेम फोरग वीक फ्राइडे टेगन सेंट प्रोटेस्ट एक्शन, तो वो एक मुकदमा चलाना चाहता है स्टार्ट सूरीनाम के ऊपर। देखिए अभी परमारीबो में द फर्स्ट लेडी हमारा देश का फर्स्ट लेडी परमारीबो में सेंटर में द फर्स्ट लेडी जा करके सूरीनाम के लोगों को हकदार वालों को जो लोग सिलेक्टेड हुआ था फेस तक या उनसे ज्यादा है सौदर्श लोग कूपन मिला था, कूपन एक वार्ड बॉम्ब की तरह 500 के उसका कीमत है। पहले परमारीबो में हुआ और बाद में द फर्स्ट लेडी शुक्रवार को कमवेन में गया है रिसोर्ट मेयर्स और पीपर पॉट एंड ए डील फनी ऑम से दम 50 हेल्थ हाउसेस के पास गई है कूपन टरवार्ड फंड 500 SRD। ये आप कॉम्बी मार्ग में जाकर के फिर से फिर कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं या उसको दे करके पैसा ले सकते हैं। प्यारे प्यारे जनता
Fjus ledine, ye waarde bon, le ja karke konwene bhi diya hai. En vorige jaar, ye Mariburg me tha, Paramaribo centrum me tha, vrijdag meer zorg, en binnenkort Nikeriko bhi jane wali hai. Nikeriko. The first lady, aap to jante hain, ye hai mara desh ka president ki patni ji. Hum aage chal karke dekha gaya hai ki school for four abhi ratri ke student ke liye abhi tak mukarrar na ho paya hai. Student in the rat district jo afod uprising mein aana chahte hain. नया स्कूल ईयर का शुरुआत हुआ अक्टूबर में, तो ये लोग के लिए स्कूल फॉर फोर नहीं है अभी तक. स्कूल फॉर फोर रात्रि के समय अभी तक नहीं है, समझे ना भैया. द पुलिस चीफ द माइकल गेई 24 शनिचर को गिरफ्तार किया है व्हीकल्स फॉर डाइस्टरिंग एंड अपलिफ्टिंग. इन्हें पकड़ करके सिपाही ने जेल में डाल दिया है. यह आदमी ने भाई जी माइकल के बाद हम करने जा रहा हूं, मोटरगाड़ी खरीदा था उधार पर और बैंक के जरिए यह कर्जा अदा करत. जब दूले वॉज दैट ही हैड हेल्प फिया द बैंक सो ओवर माकन. कुछ समय तक जब यह पैसा जहां पर है और तो हंडलार जहां पर पैसा होना चाहिए, जब ये पैसा न पहुंचा तो वो नालिश किया. तो जब नालिश की भैया तो गिरफ्तार हुआ माइकल. तो माइकल क्या कहता है, बोले एक्स मिनिस्टर गिलमोर हुबदराज के कारण से, बोले हुबदराज जो भागा है देश छोड़ करके, अब बोले इसी कारण से बैंक रिकनिंग जो ब्लॉकेज हुआ है और इसी कारण से वो पैसा ओवर मार्क नहीं कर पा रहा है. हुबदराज के कारण से, हुबदराज के भागने से बैंक रिकनिंग ब्लॉकेज कर दिया गया है, समझे ना. लेकिन भाई जी माइकल डी यही मौका बना करके एक गाड़ी लेकर के फास्ट कार बना करके एक वक्त बेच दिया, फिर वो एक बेच करके तीसरा बेच दिया ना, और कर्जा ना भरी से, लेकिन गाड़ी बेचते गया है और पैसा लेते गया लोगों से. बस अब देखो गिरफ्तार है अपलिफ्टर, अपलिफ्टर शैफ बताली श्रोत हुबदराज. तू बोले हुबदराज के कारण से बैंक रिकनिंग जो ब्लॉकेज है, इसलिए हम पैसा ओवर मार्क न कर पाएगा. चलेंगे आगे. तो प्यारे प्यारी जनता, एक आदमी गिरफ्तार हुआ मोरेनो एयर सेशन यार, अब रेड साल में यह आदमी है. सुपरमार्केट में और बुटीक में मोरेनो एयर ने डाका डाली से, लेकिन भाई जी एक एडवोकेट मोरेनो एयर का, अब मोरेनो खुद कहते कि एक वासन नीच हम न जानी के रहा. रेक्टर सेंटिया फाउस्टेन मोंटनोर बोले कि सिपाही न जाने तू न जाने कर, बोले हम गल जानी ला. बोले आपके शरीर में जो तत्वाशस है, बोले कामरा बेलगन पर हम यहां देख रही है और इस वक्त तू यहां खड़ा है ले, और वही तत्वाशस तेरे हाथ पर बदन में है. बस ये हैरान आदमी हैरान हो गया मोरेनो एयर. बोले उलझ जाने ही तो दुनिया भर के चीज रेक्टर, बोले कि हम ठीक से जानी है क्योंकि हम कामरा बेल्डन पर देख रही है कि जो दुकान में डाका डालता है उसके शरीर पर टैटू आशेष है लिखाम पर,
और इस वक्त जो तुझ सामने खड़ा है वही तत्वाश जो वहां बेल मटेरियल पर है वही आपके हाथ में है और पांव में गोर में है, वही आदमी आप हो। ये विंकल एंड ए बुटीक ऑन द ट्रेजर एवेयर ऑफ 20 सितंबर। प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे करके मोरेनो जी ने गिरफ्तार हुआ है। आप देख चुके हैं कैमरा बिल पर, रेस्टर खुद देख रही है, ये वही चोर है, ये वही डाकू है जो यहां खड़ी होकर के इनकार कर रहा है। ट्वेल वोनिंग ऑन द डगो ब्लास्ट्राट से सोमदाग मेदाग, मुमकिन है इन दोनों मकान में आग लगा दिया गया है। ब्रांटवेर औतन पिंडा से बात कहता है कि ध्यान से देखो तो ऐसे लगे कि ये दोनों मकान में आग लगाया गया है। इतवार को ये दोनों जल करके राख हो गया है, भस्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। बहुत बहुत बात है बोलने के लिए भाई जी। आज हम देखी ला यहां मोहम्मरम, हो सकते मोहम्मद राम दे यार, जो एक सोनारी के पास काम करता था, इतवार को वो गिरफ्तार हुआ है। ये आदमी है हसी राजन तेर हंस क्रेखन, उन्हें गला करके नया गहना तैयार करने के लिए, लेकिन ये बेईमानी कर लिया है। एक आदमी प्रदेश न्यूजीलैंड से आया यहां और उनका जितने गहना पुराना गहने, वो सोचा कि इसके गलवा करके महमरम से और नया गहना तैयार करवाया तैयार करवाए। हथखाट और फिर रेंगन Drie in goud en diamanten. Een gouden halsketting, gouden armband. Je Hollandse aker ke purana gehna tha. Mohammed ko diya, naya gehna banane ke liye. Lekin ye mari se bhaiya lamba hat, aur sab beimani kar liya hai. Beimani kar liya bappa. अब ये सिपाही इनको गिरफ्तार किया है मेंद्र का पुलिस मोहम्मराम को जाकर के गिरफ्तार किया है। और हम आपको क्या बताएं भाई जी, के विश्वास करियो मौसी, इतना चोर इतना बेईमान इंसान देश में आ गया है, हमारे समझ से बाहर भाई जी। समय यहां पर अब चलेंगे पार्लियामेंटारियस निशा झकरी, स्टेफन मत्साले, डिस्ट्रिक्ट राजलेट अल्विन निबार और कुछ रेस्टोरेंट राज लीजन के साथ शशाल प्रोजेक्टन के कायम की है और खास करके कुछ लोग को ये लोग जाकर के सहायता भी दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है तीन मुदर को। और ऐसे करके भाई जी उरैखित राम शरण फुटसल पकेट इस मां को भी दिया है। ऐसे ऐसे करके द ओ एस पारादेश इस ओ क बजोख्त वार एर लिट भारत राम नारायण सिंह एक प्लेटफॉर्म स्कूल का मरम्मत करने के लिए, जहां देवका लग गया है और इसको हेयरस्टाइल करने के लिए और देवका को यानी कि बसपैज करने के बाद उसको हटाया जाए, नया फ्लाक मास्क लगाई जाएगी, झकरी एंड मत्साले
ये मेहनत करने लगा निकेरी में। डिस्ट्रिक्ट एंड रिसोर्ट राज रीजन के साथ मिलकर के ये सब काम हो रहा निकेरी में। हम आपको तो अनेक अनेक प्रकार की चीज बता सकते हैं भाई जी है? और सब लोग भाई जी ब्रांसपेट के समस्या से हैरान है, ब्रांसपेट के समस्या से लोग हैरान है। और यही बात लोग कहते हैं भाई जी कि जो हो गया है ये दोबारा न होना चाहिए। वहां बोर्ड लगाने के लिए कमिश्नर्स ने ऑब्जर्व दिया है कि वहां पर पानी में उतरने के लिए मनाही हो जाएगा। अनेक अनेक प्रकार के चीज वहां होता है। अगर सरकार वहां बोर्ड नहीं लगाएगा, ये नहीं करेगा, कुछ न कुछ फैसला कमिश्नर्स को रखेरिंग को लेना चाहिए। ब्रांसपेंट फ्राक और मातरी खलन, समझे भाई जी। एंटरप्रेनरशिप जो फरखादरे न्यू सिर्फ एन एनफी के सिलसिले में होने वाला था, आशीष कुमार गयादीन कह रहा है कि इसको शुक्रवार को कर दिया गया है। ये सभा सिर्फ एन एनफी के बारे में जो लोग सवाल कर रहा है, सिर्फ एन एनफी ये एक ऐसा और खानिशासी था कि जो देश में इन्वेस्टर्स को लाता, देश के एंटरप्रेन्योर में लाने के लिए ये सिर्फिन एनफी तैयार किया गया। लोग ने कटास करने लगा। आप जानते थे सभापति लक्ष्मण जी मुझसे एक बार कहा, बोले भाई जब सवेरे खोखी तो के आई तो अब ही से मुंह बा करके मत इंतजार के सवेरे, सवेरे खोखी आई तो सवेरे मुंह खोलिए ना। सिर्फ एनफे अभी अपना ताकत ना दिखाई, अपना काम ना शुरू करी, यहां लोग कूदने लगा। वो कुदाई भैया, वो कुदाई, अब एंटर तलाशी फर्स्ट चैलेंज दिन भे। अब देखो कितना लोग वहां पर कूदने जा रहा है। देश में पैसा है ही नहीं, जब मिनिस्टर लोग ने कोशिश कर रहा है पैसा लाने के लिए, देश को अंतरिक्ष में लाने के लिए, तो यहां लोग कोच चौक लगाने लगा। अब देखो क्या फैसला होगा इस इंद्रप्रदासी फोर्सल के बाद में। हम आपको बताना चाहूंगा कि एलबीबी जो इतनी लोग सब अंडा बिटोर करके और आधा रास्ता पहुंच जाते हैं तब कहीं जा करके एलबीबी को पता चलता है। अब आप देखिए कि न एक लेकिन हजारन हजारन अंडा बिटोर करके अब लोग ने लेकर के आ रहा शहर की तरफ। बिटोरते हुए समय वहां एलबीबी के आदमी होना चाहिए, लेकिन बिटोर करके शहर के आसपास में पहुंच जाते हैं तो पता चला कि लोग ने खिचड़ी के अंडा बिटोर करके और बेचने के लिए पारामारी में आता है। उसके बाद में बचलाख में लिया जाता है ना। ये सब बात बड़ी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि देश में अभी आप देखो कि कोई दिन पहले 3 कंटेनर भर भर के लकड़ी, 3 कंटेनर भर भर के लकड़ी ये लोग स्मोकर करने जा रहा था। और ये भी देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने शुरुआत में कह चुका था कि कैसे लकड़ी स्मोकल होवत है। और अब जब 2 या 3 मरतबा लोग गिरफ्तार हुआ है कंटेनर भर भर लकड़ी, तो इन लोग के सजा कितना मिला, कई महीना के सजा कटले हैं।
और कै बड़ी से ये लोग सूरीनाम के लकड़ी चोरी करके और बेचलान को भेजे हैं। क्या हाफन पर कोई रखस्त्रासी नहीं है? कितना लकड़ी सूरीनाम से एक्सपोर्टेड हुआ बेचलान को? ये कम से कम हाफन पर होना चाहिए। न जाने इसमें अली बाबा के है और 40 चोर के है, लेकिन बगैर अली बाबा 40 चोर ये काम कोई नहीं कर पाएगा। ये कार्टेल है भाई जी, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये सूरीनाम के धन यानी बेच बेच करके ये लोग नोच नोच करके खाता है। अगर सिपाही, अगर सरकार इन तमाम लोग को गिरफ्तार नहीं करेगा तो ये जो एक दो गाड़ी को लोग रोकते हैं इसमें कोई फायदा नहीं होगा। हमारे चल करके भाई जी, वो तो प्रोफेसर फरीद के बारे में कहा था, प्रोफेसर फरीद इनका तो देहांत हुआ है, आप जानिए पेंशनियर पैथोलॉग एनाटॉम था, अकादमी से किया इसका, इनका मृत्यु हुई है और इनका अंत्येष्ट क्रिया हो चुका है। तो भैया जी, आप तो जानते हैं कि आज 24 तारीख है, 23 तारीख है, कल है 24 तारीख, 25 तारीख। अब यही बात भाई जी, रेफुलिट सिद्धाख द एनडीपी ये कैसे बनाएगा? रेफुलिट सिद्धाख के बारे में अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा गया है, क्योंकि एक मोन्यूमेंट है और वो मोन्यूमेंट वाटर कंट जहां फिर अंतर को वहां रेफ्यूलिसी का लेजर देशी बौद्ध से अपने संघ साथियों के साथ वहां रात बिरात करके भाषण देते हैं। और 23 तारीख है, 2 दिन बाकी है, अभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। क्वारंटाइन रिफिल पर जो ब्रोकी बनने जा रहा है, क्वारंटाइन रिफिल पर एक ब्रोकी बनेगा, यह खुशी की बात है कि ब्रोकी तो हर एक देश में होना चाहिए, लेकिन देश के जनता को चाहिए पहले बहुत विचार से सोचने के लिए कि ये क्वारंटाइन ब्रोकी सूरीनाम के लिए कौन सा फायदा देगा। क्वारंटाइन ब्रोकी कौन सा फायदा पहुंचाएगा सूरीनाम की जनता के लिए, क्योंकि क्वारंटाइन रिफ्यूज जो है वो तो सब सूरीनाम के है। क्वारंटाइन रिफ्यूज पूरा तौर से सूरीनाम का है, लेकिन क्वारंटाइन ब्रोकी जब बनेगा तो उसका एखनार के रहेगा, ब्रोकी का एखनार के रहेगा। प्यारे भाइयों, यह बहुत कठिन बात है कि हम लोग जानते हैं कि जब यह क्वारंटाइन ब्रोकी आएगा तो लोग को तौल भरना पड़ेगा। यह तौल के कमाएगा, गयाना कमाएगा या सूरीनाम? तौल लगेगा। हमारे देश में देखिए भाई जी, तेल इतना महंगा हो चुका बेंजीन, लेकिन अभी तक सड़कों पर फ्यूल लग जाता है तो लोग घंटन गाड़ी बैठते रहते हैं, क्योंकि गाड़ी एक ट्रांसपोर्ट है जिससे लोग नौकरी पर जाता है, बगैर ट्रांसपोर्ट से वो कान पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर जब हम लोग सूरीनाम रिफिल के ब्रोकी जो है वहां पर जब बैठेगा सिपाही तौल लेगा तो पता चलेगा के जा है उधर के उधर से आवत है। अभी वीकेंड में एक लौंडा
ब्रॉफिस लेकर के गया है। ब्रॉफिस खड़ा करके अब चल करके जाते हैं तो लोहुआ के छड़ी पर खड़ा होकर के अब कूदना चाहा तो एक बच्ची ने गाड़ी लेकर के जा रही थी कहीं, गाड़ी रोक करके चिल्लाने लगा कि मत कूदना। बस जा करके उनके पीछे पकड़ लिया। अभी दो तीन रोज के बाद है हिंदुस्तानी के लौंडा को पकड़ लिया ना। लेकिन जो वहां पर एक सिपाही होता आगे में, सब लोग तौल भरत है तो पता चले कि के आई से के जा है, कहां जा है, किस तरफ जा है। लेकिन सरकार डरता है तौल लेने के लिए। लेकिन आज तेल के बेंजीन के प्राइस चढ़ गया, सन्ना भर के गाड़ी दाम पर चलता है। इसलिए निकेरी के खेतियर बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। खेती बाड़ी करने के लिए मशीन का तेल जो है अगर गवर्नमेंट तेल निकाल दिया जाए तो वो लोग को तनी से फायदा होगा। वरना भाई जी अब से अगर धान अभी एक हफ्ता में कटने लगेगा निकेरी में और 300 SR दे एक बस्ता धान बिकेगा तो चावल हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। सरकार को चाहिए कम से कम खेतियर का मशीन का तेल सब्सिडियर करना चाहिए, नहीं तो हम लोग चावल नहीं खरीद पाएंगे अगर 300 SR दे में एक बस्ता धान बिकेगा। भाई जी आज हम बड़ी किताब से एक बात कहेंगे आपको ना। भाई जी एक बात हम कहने जा रहा हूं और शायद आपको याद होगा, अबू हुरैरा फरमाते हैं दद बोझ खपर पान अल्लाह फ्री जैसे में थे जेल Vertel mij wanneer er bij een van jullie voor zijn deur een rivier zou stromen en hij 5 maal per dag erin zou baden, zou er dan nog enig vuil op hem achterblijven? De vrienden van de profeet zeiden, dubbele punt, nee. Er zou geen vuil achterblijven. Hij zei, dit is een vergelijking met het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden. Allah vergeeft hierom onze zonden. Weet je, hem lopen je hier nog na hè. यही रहना है, हम लोग को मिल करके इस देश के समस्या हल करना चाहिए। अपने आप पर ध्यान रखो, अपने बाल बच्चों पर ध्यान रखो और ऐसे करो कि हम हैं सूरीनामर्स और हम लोग को मिल करके सूरीनाम का इकोनॉमी को संभालना चाहिए। अपने आप को भलाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। मंगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से श्रीमान रेमी लाला सौख के साथ ये सूचना देते हैं। मंगर फ़रवरी के 23 तारीख 43 द्रियंफेटक साल के उम्र में श्रीमान रेमी लाला के भाई श्रीमती शर्मिला लाला सिंह के बर को मायरा और आयान के दादा मंगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा के रहने वाले श्रीमान रेमोंट लाला की मृत्यु हुई है। अपने जिंदगी में वाख्तर था नातिन लैसवह का। अर्थी कल बीफे फ़रवरी के 25 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे मंगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है।
मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से श्रीमान राजेश जी टू सौख के साथ ये सूचना देते हैं। मंगर फेब्रुवरी के 23 तारीख 43 43 साल के उम्र में श्रीमान राजेश जी टू के बेटा स्वर्गीय शीला रामसुख के बेटा मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा के रहने वाले श्रीमान रेमोंट लाला की मृत्यु हुई है। अपने जिंदगी में वाख्तर था नातिन लैसवह का। अर्थी कल भी फेब्रुवरी के 25 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे मांगरा से स्त्रात 68 फ्लोरा से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से श्रीमान आशांत गोपी सौख के साथ ये सूचना देते हैं। मंगर फेब्रुवरी के 23 तारीख 43 43 साल के उम्र में श्रीमान आशंत गोपी के सार श्रीमती रायदा गोपी रामसुख के भाई रायशन और याना के मामा मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा के रहने वाले श्रीमान रेमोंट लाला की मृत्यु हुई है। अपने जिंदगी में वाख्तर था नातिन लैसवह का। अर्थी कल भी फेब्रुवरी के 25 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे मांगरा से स्त्रात 68 फ्लोरा से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से रोसिता लाला सौख के साथ ये सूचना देती है। मंगर फेब्रुवरी के 23 तारीख 43 43 साल के उम्र में रोसिता लाला के भाई मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा के रहने वाले श्रीमान रेमोंट लाला की मृत्यु हुई है। अपने जिंदगी में वाख्तर था नातिन लैसवह का। अर्थी कल भी फेब्रुवरी के 25 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से श्रीमती रत्ना लाला भैरो सौख के साथ ये सूचना देती है। मंगर फेब्रुवरी के 23 तारीख 43 43 साल के उम्र में श्रीमती रत्ना लाला भैरो के पति रनिशा के पिता मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा के रहने वाले श्रीमान रेमोंट लाला की मृत्यु हुई है। अपने जिंदगी में वाख्तर था नातिन लैसवह का। अर्थी कल भी फेब्रुवरी के 25 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे मांगरा से स्त्रात नंबर 68 फ्लोरा से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। मार्शल स्त्रात के रहने वाली रत्ना नन को ये मनुष्य फन आलस है। 20 फेब्रुवरी के 25 तारीख इनकर सौग्रह बीबी साहिबा हेलोवीस पीर खान सुमेर साहेब फारिद पीर खान बीबी साहिबा औद्री पीर खान फरदीन अम्बरीन मालिका और संजना रत्ना को बहुत सी प्यार खुशियाँ बहुत सी मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। दुआ है हमारे के कदम कदम पर तुम्हें सबका प्यार मिले। दुआ है हमारे के कदम कदम पर तुम्हें सबका प्यार मिले। दामन तेरा कम पड़ जाए इतना तुम्हें बहार मिले।
Een woord van dank aan onze fantastische adverteerders en de cameraman is Sagerewat. Wij zitten hier in de studio van RBN met Akash Chotu. De zanger Akash Chotu. Welkom Akash. Wie is Akash? Wel, dankjewel Fosha. Ik ben Akash. En Akash Chotu. Een medische student, een zanger, een former danser, een Hindi leraar. En ja, maar het belangrijkste, ik ben een medische student. Iets wat mijn passie is. Nou, dat is belangrijk. Als je van je hobby je baan weet te maken, je beroep weet te maken, dan ben je een van de gelukkige mensen op de aarde. Welkom terug in de studio van RBN met Akash. Akash is uit Saramaka. Toch Akash, je doet medisch. Zou jij je willen gaan specialiseren en zo ja, waarin? Ja, dat sowieso. Voordat ik gestart was met mijn studie, was dat mijn doel eigenlijk. En ik ben niet echt geïnteresseerd in huisartsenpraktijk. Maar ik wil meer bezig zijn, meer mezelf meer verdiepen in het vak. En natuurlijk in neurochirurgie. Iets wat mij echt aantrekt, neurochirurgie. Nou, ik zou zeggen een jonge voorbeeldige Surinamer hebben wij hier. Akash is trouwens ook van Lico 1, toch? Ja, klopt. We hebben toch wel wat gemeen met elkaar. We komen zo meteen meer te weten over deze knapperd. Welkom terug in de studio van RBN met Akash. Akash, hoe was jouw ervaring, je studententijd op het Lyceum, op Lico 1? Zo, dat was de leukste tijd van mijn leven. Met mijn vrienden, ik heb heel veel meegemaakt. En ja, het waren echt mijn beste tijden. En ik hield ervan wat ik deed. Natuurlijk, ik hield meer van technische vakken. En ja, als je van iets houdt, dan gaat het gewoon makkelijk. En ik wist niet dat je Jimmy Sahai kende. En dat hij ook daar zat, want ik ken hem ook. Ja, ja, Jimmy ken ik, we zijn hele goede vrienden. Welkom terug in de studio met Akash. Akash is een zanger. Akash, wat zijn jouw ervaringen met betrekking tot zingen? Zingen, wel, in het begin wist ik nooit dat ik op podium zou kunnen staan en optreden voor zoveel mensen, want ja, scholierenzangcontest moest ik voor ongeveer 5000 mensen gaan optreden. Dus dat was echt een goede ervaring. En eerste, je gaat niet alleen eerste keer, je bent elke keer, het is gewoon, je wordt zenuwachtig, je blijft zenuwachtig even zenuwachtig. Maar ja, het is een hele goede ervaring. Als je eenmaal op podium bent en eenmaal begint met dat lied, dan is gewoon alles, dan wil je gewoon doorgaan. Je wilt gewoon blijven, weet je, het publiek entertainen, want je krijgt de motivatie daardoor. Dat is echt heel erg leuk. En Akash heeft gewonnen, toch? Tijdens een van die deelnames. Klopt, wanneer? 2019. Ja. Heeft Akash de eerste prijs weten te behalen tijdens een Open Scholierenzangcontest? Ja. Nummer 1. En welk lied had je gezongen? Het was Senja. Ga je voor ons zingen of doe je het? Zeker. Ken ik. Hire moti mena chau main tu chau sangam tera प्यार से
आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाह में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे प्यार में खो जाऊं। Mooier dan Kailash Kher is onze eigen Surinaamse Akaas Chotu. Dus nu pas begrijp ik waarom hij in 2019 nummer 1 heeft behaald. Geweldig, petje af. Mooi, heel mooi. En voor Akaas de volgende vraag. Je hebt zelf opnames, zelf heb je videoclips gemaakt. Ja, klopt. Kan je ons meer daarover vertellen? Mijn eerste clip was Waja Tum Ho. Ik was ook in een, betrokken bij een modellenbureau. Ik deed dan modelleren. Yeah. Dus toen hebben zij besloten, dat vlak nadat ik mijn zangcontest had gewonnen, hebben zij besloten van hey, laten we een clip uitbrengen. En dat was in september 2019 heb ik mijn eerste clip uitgebracht. En ja, dat was met ook Miss Tropical Beauty 2018, als ik het goed heb, Farhanaz Margaret. En daar heb ik dan mijn clip gemaakt. En ja, het was een goede ervaring. Ik was bij Genetic Models. Wauw, ja. Dat wisten we niet over Akash. Farhanaz Margaret kennen we, ze is ook hier geweest. Ja, en die twee andere? Mijn tweede clip was Gerriet. Dat heb ik eigenlijk een tribute to Sushant Singh Rajput. En dan was het een medley van drie nummers van Sushant Singh. En ik dacht, weet je, in zo'n periode moet je een beetje, ja. Het was een COVID-periode toen, yeah. Alta. En die derde clip? En die derde is 2 dagen terug uitgekomen. En dat is een break-up song. Een broken heart. Yeah. En verrassend veel informatie over Akash, modeling. En ik heb me laten vertellen dat je ook danst, of danste? Ja, ik danste. Waar? En wat voor dansstijl? Ik deed Kathak en Bollywood bij Hans Bowen, dansschool Hans Bowen. Dat was heel lang terug. Ik denk in 2009, als ik het goed heb, was ik gestart daarmee. En tot 2016 ging ik dansen. Ja. Nou, je hebt heel veel talent, jongen. Het is een jongeman om trots op te zijn, toch? Ja, sowieso. Onze Akaas Chotu. Welkom terug in de studio van RBN met Akaash. Akaash, heb jij ook een moment gehad in je leven waar je verdrietig was? Ja, dat was maanden terug. Vorig jaar, oktober, is mijn moeder heen gegaan. En ja, dat was eigenlijk de dieptepunt van mijn leven. Het was echt, ja. Akaash, uit hoeveel kinderen hebben je ouders? Ik heb een broer en een zusje, dus 3 met mij. En hoe oud is de jongste is je zusje? Ja, hoe oud is zij? Zij wordt dit jaar 20 en mijn broer die wordt 27. Mijn zusje doet medisch analist op Latin en mijn broer hij doet een HBO-opleiding. Oké, het ergste voor kinderen is om een ouder te verliezen. En ik heb ook de angst, ik loop met de angst, er moet niks met mij gebeuren, want ik wil mijn kinderen niet laten, voor niets en niemand. Dus ik begrijp dat dit vreselijk moet zijn geweest. Het is, ja. Nou, heel veel sterkte en ik zou zeggen succes met alles, maar vooral jullie studie. Ja. Toch? Welkom terug in de studio van RBN met Akaash. Akaash doet zoveel dat ik bijna het woord 1000 poot wil gebruiken. Je geeft Hindi lessen of je gaf Hindi lessen? Ik gaf Hindi lessen op mijn 13-jarige leeftijd. Toen gaf ik Hindi lessen op de Mathura Hindi Vidyalaya op Saramakka. En toen gaf ik
best. Eerste, tweede en derde klas. Dus dat wil zeggen dat je zelf eerst jouw Hindi... Ja, klopt. Op welke leeftijd? Ik weet het weten. Ik was gestart in 2008, als ik het goed heb, 2008 of 2009. En ja, ik was vrij jong. En ik was de jongste docent, als het ware, Saramaka. Wauw, Akash, welke andere bezigheden heb jij in je leven? Hobby's en activiteiten? Ik hou van fitness, ik hou van voetballen, gymmen. Ja, dat is echt mijn hobby. Voetballen doe ik niet zo vaak, maar jaren terug deed ik dat wel wekelijks met mijn vrienden. En nu door de huidige situatie, dan is alles even stopgezet. Kickbox ook. Ja, daarmee was ik eigenlijk gestart. Ik heb 1 tot 2 maanden kickboxen gedaan en ja, toen moest alles gewoon dicht. En dan ben ik weer gestopt. Nou, ik heb heel veel hoop en ik weet zeker dat alles weer gouden oude zal worden. Het is gewoon een tijdelijke situatie over de wereld. De hele wereld heeft ermee te kampen. En we zijn positief gestemd. Het wordt snel weer de oude. Ja, laten we dat open. Ja, we gaan zeker weten. We bidden. Welkom terug in de studio van RBN met Akash. Akash, je hebt je zangcarrière op een andere hoogte gebracht, weten te brengen. Ja, dat klopt. En dat is dankzij mijn manager, Shami Khusia van SS Promotions. Hij heeft me, nadat ik zangcontact contest had gewonnen, heeft hij me gevraagd om in zijn band te zingen en wegens omstandigheden kon ik niet gelijk in die band gaan, maar uiteindelijk dacht ik toch na maanden van weet je, ik heb een talent, ik moet het toch ergens gebruiken en ontplooien verder, weet je, dus dacht ik van laat me dit proberen, want iedereen in Suriname, als je een talent hebt, dan moet je het sowieso proberen te ontplooien en verder beter worden. Akash, de kijkers willen een lied horen van jou, zo'n knappe zanger. Oké, dan een van mijn favoriete liederen. Het is Orepia. Orepia, Orepia. Orepia, Orepia, udne laga kyun man bavla re, aaya kahan se ye hausla re. Wauw, ik vind het gewoon prachtig. Mooier dan de originele versie, moet ik zeggen. Het is Akash Chotu, de 24-jarige Akash Chotu uit Saramaka. En de winnaar in 2019 van het Open School Leren Sang Contest. Wij zitten hier in de studio met Akash. Akash, je zegt dat je wilt gaan specialiseren in neurochirurgie. Ja, wat is dat? Wat houdt dat in? Neuro, je hoort het zelf. Het heeft te maken met het zenuwstelsel. Je hebt brein, het heeft te maken met de brein, ruggenmerg. En chirurgie, dat wil zeggen, je gaat dan moeten snijden, weet je, een beetje meer bezig zijn met de handen. Het enige relevante dat ik zou kunnen bedenken hier is mensen, patiënten met een TIA. Ja, patiënten met een TIA, laten we zeggen, dat is... TIA is een voorloper van een stroke, laten we zeggen. Een TIA die is niet... laten we zeggen... TIA betekent transient, toch? Dus het is tijdelijk. Je hebt de symptomen ervan, die zijn niet blijvend.
Maar een stroke daarentegen, dat heeft de symptomen daarvan en natuurlijk de gevolgen ervan, die zijn wel blijven. Bijvoorbeeld een hemiparese. Als je een stroke hebt gehad, aan de linkerkant van je hersen, dan heb je aan de rechterkant van je lichaam dat paralyzed is bijvoorbeeld. Maar dat heeft meer, dat valt meer onder neurologie. Wat meer onder neurochirurgie valt, zijn bijvoorbeeld een hernia disc operatie. Of als er bijvoorbeeld een aneurysma ergens is in het brein. Van, je hebt daar heel veel bloedvaten. Het is een heel ingewikkeld anatomie brein. En als er bijvoorbeeld een aneurysma daar is, moet je dat, dan is er een groot risico dat die kan openbarsten. Dus wat een neurochirurgie gaat doen, die gaat dan proberen te klippen bijvoorbeeld. Of als dat niet, hangt af van waar het ligt. En dan moet je bijvoorbeeld, kan het ook endovasculair zijn. Endovasculair wil zeggen via de vaten. Dan gaat er een stent via de arteria femoralis. En van daaruit ga je dan radiologisch checken. En uiteindelijk de aneurysma dan coilen, zeggen we. Dus je hebt heel veel methoden. Weet je waarom ik dat zei? Mijn moeder heeft ooit een TIA gehad. En gebleken is dat de haar moeder en ook zoveel broers en zussen van haar dat hebben gehad. En toen zei de dokter, het is een erfelijke factor. En vanaf ik dat heb gehoord, ben ik echt heel alert. Ja. Weet je? Je snapt me concern wel. Ja. Een knappe, jonge, getalenteerde Surinamer uit Saramaka. Akash, heb jij een boodschap voor de geweldige kijkers van RBN? Nou, wat ik de kijkers wil meegeven is dat als je talent hebt, moet je dan sowieso proberen het verder te ontplooien. Want het leven is kort, zoals je zei. Dus doe gewoon, benut elk moment van je leven heel nuttig. En doe iets waarvan je houdt. Ga jezelf niet dwingen iets te doen waarvan je niet houdt. Bijvoorbeeld zang. Of laat me een voorbeeld nemen van mijn studie geneeskunde. De meeste studenten die zijn bezig te studeren en dan, weet je, beginnen ze te balen ervan. Dat wil zeggen dat je eigenlijk niet ervan houdt. Je kan nooit balen van iets waarvan je houdt. Dus als je bewust voor iets kiest, ik heb bewust voor medisch gekozen. Dus als ik ga studeren, dan ben ik eigenlijk gemotiveerd. En dan ga ik sowieso nooit balen ervan, want dan wil ik meer weten erover. En dan ga je steeds verder en verdiepen. Dus wat ik wil zeggen is, doe iets in je leven waarvan je houdt. Ga je nooit spijt ervan hebben. Ik vind, dat zijn hele wijze woorden, Akash. Ik denk dat we allemaal wel iets hebben waar we goed in zijn. Alleen moeten we het ontdekken. En als je erachter bent gekomen, maak er nuttig gebruik van. Het leven is kort, maar probeer het optimale eruit te halen. Doe precies die dingen waarvan jij houdt. Toch? Precies. Dankjewel Akash voor het hebben willen delen van zoveel details uit jouw leven met ons. We wensen je heel veel succes met alles dat je doet. En blijf afgestemd op Rapa's Broadcasting Network kanaal 5.1. Heb veel kijkplezier verder. Mijn naam is Fosia en tot de volgende keer. Het aantal personen dat dinsdag COVID-19 positief is getest bedraagt 11, aldus de COVID-website van de gezondheidsautoriteiten dinsdagavond. Er zijn dinsdag 130 tests uitgevoerd. 10 patiënten zijn genezen verklaard. Helaas zijn 2 patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waardoor het aantal doden sinds de aanvang van de COVID-pandemie medio maart vorig jaar nu 170 bedraagt. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 5 en 22 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 38 positief geteste personen bevinden zich in isolatie.
Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 8.880. De South China Morning Post bericht dinsdag dat douaneambten op de luchthaven van Hongkong 2 mannen hebben gearresteerd en voor $288.460 aan vermoedelijke vloeibare cocaïne die in beslag is genomen. Dit was vermomd als gezondheidsvoedsel en is verzonden vanuit Suriname. De vangst van de 1,7 kilo vloeibare cocaïne werd ontdekt toen de douane afgelopen woensdag, 17 februari, een pakket uit Suriname onderzocht. Het pakket zou levensmiddelen bevatten, maar een partij vermoedelijke vloeibare cocaïne bleek verstopt te zijn in 5 flessen. Tijdens een inval in het huis van de jongere verdachte namen agenten ook een kleine hoeveelheid vermoedelijke ketamine samen met medicijnverpakkingsapparatuur. Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, blijft erbij dat president Chandrika Prasad Santokhi zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken tussen de vakcentrale en de toenmalige regering van Desi Bouterse. Voor Hooghart bestaat loonaanpassing uit het huidige loon vermeerderd met een terugwerkende kracht, TWK, en daarop 25% salarisverhoging. Ik heb een afspraak met de regering dat ze ons dat geld moet geven en we moeten ook die 25% salarisverhoging krijgen. We lopen al 8 maanden achter, zei Hooghart dinsdag op een persconferentie. De CLO-voorman heeft hierover recent een gesprek gehad met het staatshoofd en weer het standpunt van de vakcentrale benadrukt. Volgens de vakbondsleider is niemand geïnteresseerd in de cijfers die steeds door regeringsautoriteiten worden gepresenteerd over de slechte situatie van staatsfinanciën. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei dinsdagavond tegenover Dagblad Suriname dat hij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan om 12:30 middags had ontboden inzake de kwestie van het gebruik van een foutieve kaart van Suriname door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op de website van dat ministerie. Ik heb in scherpe bewoordingen ons ongenoegen overgebracht over het gebruik van een incorrecte kaart, welke niet in overeenstemming is met de brief die bij de onafhankelijkheid door toenmalig premier Joop den Uyl werd gestuurd aan premier Henk Aaron, welke precies de landgrenzen omschrijft van de Republiek Suriname. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat dit handelen niet past in de geest van de historische verbondenheid tussen de beide landen en de recente intensivering van de betrekkingen, zegt Ramdien. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren aangegeven dat zaken voor 95% al besproken zijn met het Internationale Monetair Fonds. Er zijn nog enkele issues waarover wij nog onderhandelen, omdat wij onderhandelen met inachtneming van de gevoelens van de samenleving. Wij onderhandelen met het IMF in overleg met de sociaal-maatschappelijke organisaties en op een waardige manier. Als IMF zegt, laat de koers los, dan zeg ik dat ik ervoor zorg dat de koers onder controle komt. Daarvoor komt er een pakket aan maatregelen dat 1 maart ingaat. Daar zijn we mee bezig. Er ontstaat een delay, een vertraging, maar de onderhandelingen gaan door. De IMF-ondersteuning is bedoeld voor de centrale bank. Daarom zoeken wij fresh capital. Er zijn issues geweest met Surfin, wat wij corrigeren. Vrijdag presenteren wij een nieuwe entiteit, zei de president. Zoals hij had beloofd, heeft minister Amar Ramadien van Volksgezondheid dinsdagmiddag als eerste persoon in Suriname het COVID-19 AstraZeneca-vaccin toegediend gekregen. De activiteiten rond de eerste vaccinaties op het terrein van het Academisch Ziekenhuis werden live op televisie en social media uitgezonden. Na Ramadien werden zo'n 20 zorgmedewerkers ingeënt. Het gaat om vaccins uit een eerste door Suriname ontvangen lading. De vaccins, 1000 in totaal van AstraZeneca, zijn geschonken door Barbados. Met dat aantal kunnen ongeveer 500 frontlinie-medewerkers worden ingeënt. De enthousiaste directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Marika Redan,
zei in haar toespraak dat binnen 3 dagen zo'n 900 frontlinie-medewerkers zich al hadden opgegeven om zich te laten vaccineren. De bus- en boothouders van het Nationaal Vervoerbedrijf NVB hebben per 24 februari het werk neergelegd naar aanleiding van de exorbitante benzineprijzen en het uitblijven van de nieuwe loonreeks. Dit meldt Iwan Woon, ondervoorzitter van OBS aan Dagblad Suriname. Het betreft hier geen betalingsachterstanden zoals dat normaliter wel het geval is. Wat nu speelt is dat hetgeen de bus- en boothouders van het NVB aan benzine moeten uitgeven, meer is dan wat ze verdienen. We hebben nooit brandstofcompensatie gehad. De huurprijs die we nu van het NVB krijgen is nu lager dan wat we op dagbasis uitgeven aan benzine, geeft Woon aan. President Chandrika Prasad Santokhi heeft dinsdag in de Mewerebuku-kazerne bij de beëdiging van 112 militairen tot officier bekendgemaakt dat de nieuwe leiding van het Nationaal Leger binnenkort wordt gepresenteerd. De regering is ten aanzien hiervan bezig met afrondende gesprekken. President Santokhi achtte het van belang om aan te geven waar de defensieorganisatie staat na 7 maanden regering Santokhi-Brunswijk. Hij zei dat er veel gaande is op het gebied van de reorganisatie. De top van de regering voert regelmatig gesprekken met minister Krishnamathura van Defensie over het leger en de legerleiding. De regering heeft zich woensdag gebogen over de ontwikkelingen rond de valutakoers. In het kader van het verder beheersen van de koers werd een pakket aan maatregelen besproken tijdens overleg van de regeringsraad. Gekoppeld aan het koersbeleid is ook van gedachten gewisseld over de prijzen in de winkels. Minister Albert Ramdien, die ook coördinator is van de regeringsraad, zegt verder dat de regering er rekening mee houdt dat de consument niet te zwaar wordt getroffen door de economische malaise waarin het land verkeert. Hij waarschuwt ondernemers alvast die zich schuldig maken aan prijsopdrijving. Daarnaast is besproken de herregistratie van de Basel-karten. In geval de kaart zou vervallen, is die nu verlengd met een maand tot 1 maart 2021. Wie kent hem niet? Die leuke, vrolijke reuzenotter Terry in de Paramaribo Zoo. Terry, die vaak was te zien als spelend met de bal en daarmee bezoekers uitdaagde. Maar de dierentuin meldt dinsdagavond op social media: helaas is onze reuzenotter Terry vandaag overleden. Een darmperforatie is hem fataal geworden. Maar liefst 14 jaar woonde Terry bij ons. We zullen hem missen. Terry's biotoop, een natuurlijke woonomgeving waarin de otter beter kon gedijen, werd eind september 2013 officieel door de reuzenotter in gebruik genomen. Terry was toen nog de enige reuzenotter in de dierentuin. Hij werd in 2013 gered nabij de Saramacca-rivier toen daar een machine bezig was bij het water. Hij was nog een puppy. Later kreeg hij met de komst van Bella een speelmaatje. Ze waren de publiekslievelingen van de dierentuin.